जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पीटीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। पीटीसी की अचानक जोर शोर से इतनी चर्चा क्यों होने लगी? हर एक तरफ देखेंगे तो यूट्यूब पर पीटीसी की ही इन दिनों बात हो रही है। पीटीसी इंडिया से रिलेटेड क्या न्यूज़, क्या अपडेट निकलकर सामने आया है कि अचानक से स्टॉक रिटेल के रडार पर आ गया है, इसके बारे में इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। और यदि वो अपडेट 100% सही बात हुई, काम की हुई, तो आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। भले ही आप कम समय के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आपको करना जरूर चाहिए यदि वो बात 100% सही निकल कर आती है तब। लेकिन उसके पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल ले लेते हैं, कंपनी कामकाज क्या करती है। तो देखिए, पीटीसी इंडिया की स्थापना 1999 में हुई थी और ये कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करती है। पावर के सेक्टर में ट्रेडिंग से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर तक में कामकाज करती हुई ये कंपनी आपको दिख जाएगी। इस कंपनी में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, बेसिकली गवर्नमेंट की अलग अलग जो कंपनियाँ, सरकारी कंपनियाँ हैं, उनकी इसमें कुछ हिस्सेदारी है। ओवरऑल बात करें तो गवर्नमेंट की जो चार कंपनी है, NHPC, NTPC, पावर ग्रिड और एक कंपनी है PFC, इसका पूरा नाम होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये पीटीसी इंडिया की एक सब्सिडियरी कंपनी है। इन चार कंपनियों की तकरीबन 4-4% के आसपास हिस्सेदारी है पीटीसी इंडिया लिमिटेड में, तो कुल हिस्सेदारी इनकी हो गई 16%। अर्थात गवर्नमेंट की पीटीसी इंडिया लिमिटेड में तकरीबन 16% के आसपास हिस्सेदारी है और गवर्नमेंट अपनी 16% की हिस्सेदारी को बेचना चाहती है। अब ये बेचना चाहती है, ये बड़ी बात नहीं है, ये इसे खरीदेगा कौन? ये खरीदने की जो बात निकलकर सामने आ रही है अडानी ग्रुप की तरफ से, यानी कि अडानी ग्रुप ये स्टेक एक्वायर करने जा रहा है। आसान भाषा में कहें तो अडानी ग्रुप पीटीसी इंडिया लिमिटेड में अपना हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है, हिस्सेदारी बनाने जा रहा है। ये बहुत बड़ी काम की बात है, क्योंकि पिछले कुछ समय हमने देखा है कि अडानी ग्रुप जिस कंपनी में अपना स्टेक लिया है उसके शेयर प्राइस में तेज़ी देखने को मिली है। तो इस वजह से पीटीसी इंडिया की इन दिनों चर्चा हो रही है। उदाहरण के लिए आपको बताएं तो जब कुछ दिन पहले अडानी ग्रुप ने SEC में अपना स्टेक एक्वायर किया था, तो अचानक 2000 से उसका प्राइस बढ़ गया, तकरीबन 2700 तक चला गया था। वहीं NDTV में अभी हाल ही में अडानी ग्रुप ने जब अपना स्टेक एक्वायर किया था, तो NDTV का प्राइस 150 से तकरीबन 400 के पार पहुंच गया था। कुछ दिन पहले की बात है, खबर निकलकर सामने आई थी कि अडानी ग्रुप JP पावर में भी अपनी हिस्सेदारी लेने जा रहा है, तो JP पावर में भी तकरीबन 18% के आसपास उछाल देखने को मिला, और ओवरऑल पिछले 6 महीनों की बात करूँ तो इसी वजह से इस स्टॉक की इतनी चर्चा हो रही है कि पीटीसी में भी यदि अडानी ग्रुप स्टेक एक्वायर करता है, तो अभी पीटीसी का शेयर प्राइस चल रहा है 83 रुपये के आसपास, हो सकता है कि इसका प्राइस जल्दी 830 रुपये के करीब भी जाते हुए दिखे। अब कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी कैसी है, तो कंपनी का कामकाज तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखेंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 2500 करोड़ के आसपास है, यानी कि एक मिड कैप श्रेणी की ये कंपनी है, और इसके लिहाज से कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसके जो अभी मैक्सिमम इस कंपनी का हाई लगाया है वो तकरीबन 200 रुपये के आसपास लगाया है, और यदि साल भर के हाई की बात करेंगे तो वो 115 रुपये जो पिछले साल जनवरी में लगाया था, और ये अभी जनवरी चल रहा है। माना जाता है कि इन दिनों जो सीजन होता है बुल रन का सीजन होता है, यानी कि इन दिनों मार्केट में तेज़ी आती है और उसके साथ कंपनी में शेयर प्राइस में भी तेज़ी आती है। और अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस 83 रुपये के आसपास है, यानी कि 100 रुपये के आसपास पहुंचने वाला है। जब टेक्निकली आप इस कंपनी के चार्ट को देखेंगे तो इसके लिए दो मेजर रेजिस्टेंस हैं। एक पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 100 रुपये के आसपास, और जो दूसरा मेजर रेजिस्टेंस है 130 रुपये के आसपास। रेजिस्टेंस का जो एरिया है 100 और 130, इसको यदि पार कर लेता है तब वैसे भी इसके शेयर प्राइस में तेज़ी आ जाएगी, और जो मैंने बात बताई कि अडानी ग्रुप इसमें अपना स्टेक एक्वायर करने जा रहा है, यदि ये बात सामने निकल कर आई तो जाहिर सी बात है इसके प्राइस में तेज़ी आनी ही आनी है। इसके अलावा इसका जो सेल्स देखते हैं तो पिछले कई क्वार्टर्स कंपनी के सेल्स में अच्छे खासे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी की कमाई शानदार हो रही है। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट भी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कमाई हो रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ना स्वाभाविक है, कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट बढ़ने के साथ अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी की बढ़ोतरी हो रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी बढ़िया है। थोड़ा बहुत कर्जा है, कर्जा थोड़ा बहुत नहीं, कुछ ज़्यादा है, 7870 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा है, लेकिन कर्जा धीरे धीरे कम होते हुए दिखा है। वहीं कंपनी के पास जो कैश पैसा होता है, रिजर्व फंड, वो बढ़ रहा है। अभी रिजर्व बढ़कर तकरीबन 4670 करोड़ के आसपास हो गया है, तो ये अच्छी बात है कि जब रिजर्व बढ़ रहा है और कर्जा कम हो रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब कर्जा कम हो जाएगा और रिजर्व उससे अधिक हो जाएगा, और वैसे भी जब प्रॉफिट हो ही रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी अपना कर्जा सधा देगी। तो कर्जा के लेकर आपको चिंता नहीं करना है। इस कंपनी में जैसे मैंने बताया 16% के आसपास गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, उसके अलावा इसमें विदेशी निवेशक तकरीबन 32% के आसपास है, और जो देश के बड़े बड़े बैंक और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी, उनकी हिस्सेदारी भी इसमें तकरीबन 9% के आसपास है। ओवरऑल पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें देखेंगे तो 43% के आसपास है, यानी कि सबकी हिस्सेदारी इसमें है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो अडानी इस कंपनी के शेयर को बाय करें या नहीं करें, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप न्यूज़ के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, यानी कि जिसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, कुछ दिनों के लिए जो पैसा लगाकर
पैसा कमाना जानते हैं, चाहते हैं, तब आप इस स्टॉक में जरूर अपना किस्मत आजमा सकते हैं। मैंने इसके बारे में सारी बातें बता दी। फिर भी यदि लगता है कि आपको पीटीसी इंडिया के बारे में कुछ और जानना है या मुझसे कुछ छूट जा रहा है तो उस कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं उसको बताऊंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपके पास शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंजल वन या एम स्टॉक के साथ फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।